नमस्कार भैया बहनों, पिछले बार हमने कक्षा दसम की अध्याय एक स्वर्णिम भारत का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसी के अंतर्गत कक्षा दसम के अध्याय एक स्वर्णिम भारत का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। उसके अंदर हमने पहले मौर्य साम्राज्य के स्थापना के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बारे में जानकारी करते हैं, उसके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी का मतलब है चंद्रगुप्त के मरने के बाद वो राजा बना, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेटस के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपाधि से पुकारा गया। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। दिव्यावुदान के अनुसार मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, और दिव्यावुदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए। बिंदुसार के समय में तक्षशिला के अंदर दो विद्रोह हुए। जिसका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने पुत्र अशोक को और उसके बाद में सुसिम को, इन दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। किसको? डाइमेकस व्यक्ति को किसने नियुक्त किया? एंटियोकस प्रथम ने राजदूत के रूप में उसको नियुक्त किया। और प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस यानी मेली द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस प्रकार से ये बिंदुसार के बारे में पढ़ा अपन ने। अब हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, या सबसे जो जिसका नाम, जिसको अशोक महान के रूप में जाना जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा के अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। दक्षिण भारत के अंदर दो अभिलेख हैं, मास्की और गुजरा, वहाँ पे उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवना प्रिय और देवना प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ और उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक का विवाह किससे हुआ? विदिशा की राजकुमारी थी, उससे इसका विवाह हुआ, और इसके एक पुत्री जिसका नाम संघमित्रा और महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। जो अशोक के अभिलेख हैं उसके अंदर इसकी एक और पत्नी जिसका नाम कारुवाकी था, उसका उल्लेख भी मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 84वें वर्ष में यानी 281 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कलिंग के युद्ध में लगभग 100,000 लोगों के जीवन की क्षति हुई। वो लोग मारे गए
हाथी गुम्फा के अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार के ने अशोक को विचलित कर दिया। जब उसने इस कलिंग के युद्ध के अंदर वहाँ पे जो नरसंहार देखा, वहाँ पे जो खून खराबा देखा, उससे उसका मन बड़ा विचलित हुआ। इसके फलस्वरूप उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि उसने अपने आप में ये प्रण ले लिया कि वो आने वाले भविष्य के अंदर कभी युद्ध नहीं करेगा। यानी उसने युद्ध का त्याग कर दिया, शस्त्र का त्याग कर दिया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण निग्रह तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने मेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। बौद्ध धर्म अपना लिया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में अशोक ने, और उसने मेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राज तरंगणी जो कि कलहण ने लिखी थी, उसके अनुसार अशोक शिव का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में आ गया और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविका के निवास हेतु चार गुफाओं का निर्माण कराया। अशोक ने चार अपने आजीविकों के निवास के लिए चार गुफाएं तैयार करवाई, जिनके नाम थे सुदामा, चापर, चापार, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया और 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। रुमनदेई अभिलेख से विदित होता है कि उसने वहाँ भूमि की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। वहाँ पे जो भूमि का कर लिया जाता था किसानों से, वो कर उसने कम कर दिया। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। अशोक का एक राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख था, उसके अंदर अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा। धम्म क्या है देखिए, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा 2वें और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है और उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य और कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध नहीं करना, माता पिता और अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर सत्कार करना, अपने मित्रों को, परिचितों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, ब्राह्मण श्रमणों के प्रति दानशीलता का भाव होना, उनसे उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें थी। जो अशोक ने धम्म बताया उसकी उन धम्म के अंदर इन बातों को प्राथमिकता दी गई। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। धम्म के अंदर कहा गया कि आवश्यकता के अनुसार संग्रह करें, कम से अपनी आवश्यकता के अनुसार व्यय करें, जितना कम से कम व्यय करें। भवरूप शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों, बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सांची, रायसेन जो कि मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए और प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। आगे धम्म यात्रा, अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे
अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा और ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को स्वर्ण दान किया जाता था। अनुसंधान, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजुकों और युक्तकों को प्रति पाँचवें वर्ष धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था। हर 5 साल बाद में वो उसके जो शासन में थे नियुक्त लोग, उनको हर 5 साल में धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा करता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र, इसके बारे में, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य था जनता के धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने और दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि शामिल था। इसके बाद अभिलेख के बारे में अपन पढ़ें। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अपने जो भी इसके कुछ इनकी जो आज्ञाएं होती थी, जो भी अपने आदेश होते थे, वो अभिलेखों के माध्यम से प्रजा तक पहुंचाता था, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा द्वारा, जो कि डेरियस प्रथम था, उससे मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखे वो सब ब्राह्मी भाषा के अंदर है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत, मनसेरा, शाहबाद गढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं। कुछ अभिलेख इसके खरोष्ठी लिपि के अंदर भी लिखे गए। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कर्णित हैं। दूसरे और तीसरे अभिलेख में यवन नरेश आर्टियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका के राजा तिस्म के से ने अशोक से प्रभावित होकर देवनाप्रिय की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया और अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहां से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ये हमने अशोक के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।